भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद नदी में जा गिरी। गेंद को निकालने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े, जिससे सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। नदी के बाहर निकलते समय कालिया भयभीत होकर भागने लगा। कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका, जिस पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया कि अगर वो इस दौरान जहां भी पीछे मुड़कर देखेगा वहीं पत्थर का हो जाएगा। कहा जाता है कि वृंदावन से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जयंत में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। देखिए पूरे निशान है गोलियों के, और यहां पर ये वो जगह है जहां पर कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देख लिया था वृंदावन की तरफ और वो यहां पर पत्थर का हो गया था। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा पत्थर यहां आसपास कहीं मिलता नहीं है। और जो इसका फन था, जो फन था इस मूर्ति का दोस्तों, वो मुगलों ने पहले ही तोड़ दिया था। उस फन के ऊपर भगवान कृष्ण के बाल रूप के चरणों के निशान थे।